सहारा प्रणाम, सहारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी परेड मैदान में होने वाले समारोह में 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही 20,000 बीसी सखी को स्ट्राइफ फंड की प्रथम किश्त का हस्तांतरण करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पुष्टाहार बनाने के लिए 202 स्वचालित प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना की 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में सीधे 20 करोड़ रुपए की योजना राशि भी ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान के जरिए दोपहर को बमरौली एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सभा स्थल पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे 10 मिनट तक चलने वाले आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री फंड ट्रांसफर करने के अलावा चयनित महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। प्रयागराज में आज मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और आप इस समय देख सकते हैं हम रैली स्तर पर हैं। और अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और लोगों को इंतजार है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज पहुँचने का। अगर उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो आज जो है ये जो स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में करीब 1,000 करोड़ रुपया की राशि जो है स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा 202 जो पूरा पोषण निर्माण इकाइयाँ हैं उसकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। और इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं को जमीनी स्तर पर जरूरी जो कौशल है, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि जो महिलाएं हैं वो जो है अपने पैर पर खड़ी हो सके और उन्हें सशक्त बनाया जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री व्यापार सखियों से पहले जो है करीब 4,000 रुपये की जो वजूफा राशि है वो जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत जो है लाभार्थी जो है उनको स्थानांतरित किया जाएगा। ये भी कहा जा सकता है कि आज का जो मुख्य कार्यक्रम है वो सिर्फ महिलाओं के लिए कार्यक्रम है। और इसके अलावा जो है करीब 20 से 25 महिलाओं से जो है खुद देश के प्रधानमंत्री रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके सशक्तिकरण या फिर आत्मनिर्भर बनने में क्या दिक्कतें आ रही हैं उसकी भी जानकारी लेंगे। अगर फोर्स की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो 10,000 से ज़्यादा जो है जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जिन महिलाओं से जो है प्रधानमंत्री रूबरू होंगे उनका कोविड टेस्ट भी कराया गया है। और दूर दराज से करीब 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो है यहाँ पे आई हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो सिर्फ महिलाओं का ही कार्यक्रम है। यही कारण है कि भारी संख्या में यहाँ पर महिलाओं के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रयागराज से कैमरामैन तीर्थांकर गुहा के साथ संजीव सिंह। प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया सहारा समय संवाददाता संजीव सिंह ने, जिनकी रिपोर्ट आप अभी देख रहे थे। तैनात किया जा रहा है, आसपास के जिलों से जो है फोर्स को भी मंगा लिया गया है और सबको जो है डिप्लॉयड किया जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि जो आसपास का एरिया उसको छावनी में पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से जो है निगरानी की जा रही है और जो आसपास के लोग हैं उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। और इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बाहरी लोग यहाँ पर न आ सके। और इसके लेकर जो है पूरी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। खुद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है देश के प्रधानमंत्री के आगमन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोई भी रिस्क आगे की बात की जाए तो रिस्क की कोई भी लेने को तैयार नहीं। आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो है बैरिगेटिंग भी किया गया है और जो भी लोग आ रहे हैं उनको पासेस को भी जारी किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बैठक यहाँ पे जो देश के प्रधानमंत्री जब आएंगे तो कुछ लोगों से मुलाकात भी वो करेंगे। और इसके अलावा जो है पूरे ATS की टीम लगाई गई है, STF की टीम लगाई गई है, कई कंपनी जो है PSC लगाया गया है, CISF को भी लगाया गया है, RF को भी लगाया गया है। और तो ये कहा जा सकता है कि जो अगर फोर्स की बात की जाए तो पूरे फोर्स की जो है उचित समुचित व्यवस्था की गई है और हर लोगों पे जो है पैनी नज़र भी रखी जा रही है। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं उनको छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि ये कहा जा सकता है कि परिंदा भी पर न मार सके। इसके मद्देनज़र जो है पूरी तैयारी जो है की गई है, यानी कि सिक्योरिटी जो है तरीके से मुस्तैद है। सहारा समय के लिए प्रयागराज से कैमरामैन तीर्थांकर गुहा के साथ संजीव सिंह।
दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रयागराज में होने वाली रैली काफी हाईटेक व्यवस्था इसकी होगी। बैनर के बजाय लेड के माध्यम से लोग प्रधानमंत्री को न सिर्फ सुन सकेंगे बल्कि देख भी सकेंगे। जगह जगह लेड गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है जिससे जनता उन्हें देखे और सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज कार्यक्रम है ये कहा जा सकता है वो कार्यक्रम काफी हाईटेक है। अगर हम स्टेज की बात करें तो हम अपने कैमरा में तीर्थांकर गुहा से कहेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करें कि ये जो स्टेज बना है आप देख सकते हैं बिल्कुल हाईटेक बनाया गया है। अगर पीछे की बात की जाए तो कहीं पर भी कोई भी बैनर नहीं लगाया गया है क्योंकि सिर्फ जो है LED के माध्यम से जो है इसको दिखाया जाएगा क्योंकि जो दूर दराज लोग बैठेंगे क्योंकि अगर संख्या की बात की जाए तो 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के आने की संभावना जताई जा रही है तो ऐसे में जो बैनर उनको नहीं दिखेगा। यही कारण है कि LED की पूरी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ फिल्में भी लघु फिल्म भी दिखाई जाएगी। महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री का आगमन होगा और यहाँ पर एक LED भी लगाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर आगमन और प्रदर्शनी लगाई जाएगी उसका वो अवलोकन करेंगे और इसके बाद 1:15 पर मंत्री राजेंद्र सिंह का उनको स्वागत करेंगे और 1:20 पर लघु फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। जो ये फिल्म है वो महिलाओं से रिलेटेड होगा। इसके अलावा जो है 1:25 की बात की जाए तो यहाँ पे जो लाभार्थी हैं यानी कि कन्या सुमंगल योजना या फिर स्वयं सहायता जो है समूह है वहाँ पे उन महिलाओं को जो है और आप देख सकते हैं कि पूरा जो है जो ये रैली स्थल है उसको बिल्कुल हाईटेक रखा गया है ताकि कोई भी किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। हर लोग जो है प्रधानमंत्री को देख सकें उनकी बातों को सुन सकें क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये पूरा मामला महिलाओं के से जुड़ा है क्योंकि मातृशक्ति सम्मान समारोह का ये आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में जितने भी लोग आएंगे उनमें ज़्यादातर महिलाएं होंगी और प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो है ये महिलाएं आ रही हैं और इस कार्यक्रम को लेकर जो महिलाएं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। सहारा समय के लिए प्रयागराज से कैमरामैन तीर्थांकर गुहा के साथ संजीव सिंह। और प्रयागराज से संजीव हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। संजीव, कितने बजे प्रधानमंत्री का प्रयागराज पहुंचने का कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं? लगता है संजीव से हमारा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पाया है लेकिन हम आपको बता दें कि आज प्रयागराज के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री और तमाम योजनाओं का आज वो वहां पर लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जहां जहां भी रैली होती है इस तरह के कार्यक्रम होते हैं उसका एक अपना चुनावी असर देखने को मिलता है। यही वजह भी है कि आज भी लाखों की तादाद में लोग इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। उसके अलावा LED की व्यवस्था की गई है, LED वैन्स की व्यवस्था की गई है जो शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर के जो लोग यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं वो उस LED वैन्स के जरिए प्रधानमंत्री को न सिर्फ देखेंगे बल्कि सुनेंगे और प्रधानमंत्री की तमाम घोषणाओं की जानकारी उन्हें LED वैन के जरिए ही मिल पाएगी। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं अपने संवाददाता संजीव सिंह से। संजीव, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री कितने बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और किस तरह की तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? बे देखिए प्रधानमंत्री 12:45 का जो है उनका शेड्यूल आया है। अब बमरौली जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उतरेंगे और यहाँ पे जो है कुछ ही दूरी पे जो हेलीपैड बनाया गया है। और मैं अपने कैमरामैन तीर्थांकर गुहा से कहूँगा कि जो स्थान है जहाँ पर कि जनसभा होने वाली है आप देख सकते हैं कि ये जनसभा स्थल है और उनके लिए जो है द्वार बनाया गया है। जिस द्वार से आएंगे उस द्वार का नाम जो है राजमाता सिंधिया द्वार रखा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है कई द्वार बनाए गए लेकिन सभी द्वार जो है किसी वीरांगना के नाम पर है। और कहीं ये इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का करीब 2 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है और कार्यक्रम का नाम जो है महिला शक्ति सम्मान समारोह दिया गया है। और इसमें ये भी कहा जा सकता है कि करीब जो है 20 से 25 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे कि वो सीधा संवाद करेंगे। और यही नहीं आगे पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो स्वयं सहायता जो समूह के जो महिलाएं हैं उनके खाते में जो है 1 करोड़ रुपया जो है ट्रांसफर किया जाएगा। इसके
इसके अलावा जो है कन्या सुमंगल योजना के तहत 20 करोड़ रुपया जो है उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। और अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और पूरे एरिया को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 10,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती की गई है, करीब 11 जो है IPS की तैनाती की गई है। इसके अलावा 30 जो है ASP रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है और साथ ही जो है कई कंपनी PSC लगाई गई है, CSF लगाया गया है, RAF लगाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि पूरी जो अगर जो रैली स्थल है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो महिलाएं आई हैं, करीब आकलन ये किया जा रहा है कि 2.25 लाख से ज़्यादा जो है महिलाएं आएंगी और सभी महिलाओं को जो है बस से लाने की सुविधा रखी और महिलाएं लगभग यहाँ पहुँच भी चुकी हैं, लोग बैठ भी गई हैं और ये अब लोगों को इंतजार है। तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज आने का, क्योंकि ये कार्यक्रम महिलाओं का है, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको सम्मान दिलाया जाए, आत्मसम्मान दिलाया जाए और कैसे वो स्वावलंबी बन सके, इस चीज़ को लेकर जो है आज ये सभा रखी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये महिलाओं के लिए है और इसमें जो है ज़्यादातर ये कहा जा सकता है कि इस रैली में जो आने वाली है वो महिलाओं की संख्या रखी गई है। प्रदेश के सभी जिले से जो है महिलाओं को यहाँ पर बुलाया गया है। जी जी संजीव, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।